ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर खबरपट्टी इलाके से, जहां पश्चिम बंगाल के सियालदह स्टेशन पर पकड़े गए 5-5 लाख के इनामी सपा नेता और उसके भाई को लेने के लिए रवाना होगी प्रतापगढ़ पुलिस टीम। इसकी जानकारी देते हुए प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बताया कि आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के विनय का निवासी सपा नेता पूर्व प्रमुख सभापति यादव और उसके भाई सुभाष यादव को लेने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस टीम रवाना की जाएगी। बता दें कि सभापति यादव पर 45 और सुभाष यादव पर 28 मुकदमे दर्ज हैं। अगस्त 2001 में पुलिस ने दावा किया था कि पुलिस को ये रोकने के बावजूद भी सभापति व सुभाष ने 2 दर्जन साथियों के साथ पुलिस पर हमला किया। ब्लॉक प्रमुख देवसरा के चुनाव में हंगामा कर पुलिस पर पथराव किया गया, तब से दोनों भाई फरार चल रहे हैं। फरारी के दौरान दोनों भाइयों पर पुलिस ने 2.5-2.5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया। गिरफ्तारी न होने पर सितंबर 2021 में अपर मुख्य सचिव ने सभापति व सुभाष यादव पर इनाम की धनराशि बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दी। फिर भी जिला पुलिस इन्हें नहीं पकड़ पाई और शनिवार को सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों के पश्चिम बंगाल सियालदह स्टेशन पर जीआरपी के हाथों गिरफ्तारी की खबर फैली तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। दोनों भाइयों को सियालदह से लाने के लिए रणनीति बनाने लगी। एक टीम बनाई गई है जो पश्चिम बंगाल जाकर दोनों भाइयों को प्रतापगढ़ ले आएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर खबरकुंडा इलाके से, जहां चंदा नहीं देने पर किया गया लाठियों से हमला, घर में बम फेंकने से 4 लोग हुए घायल। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया 5 लोगों के खिलाफ मामला। मामला कुंडा कोतवाली इलाके के बसवाही गांव का है, जहां निवासी इम्तियाज ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग उससे चंदा मांगने आए। मना करने पर दोनों में बहस हो गई। उसके बाद चंदा मांगने वाले वापस चले गए। आरोप है कि थोड़ी देर बाद वह लोग फिर से लाठी डंडा और बम लेकर पहुंचे और परिवार पर हमला कर दिया। आरोपितों ने 2 बम फेंके जिसमें 1 बम फटा जबकि दूसरा नहीं फटा। बम फटने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। यूपी 112 को फ़ोन करने पर पुलिस पहुंची तो हमलावर भाग निकले। पुलिस ने मौके से बम के अवशेष, 1 जीवित बम बरामद कर उसे निस्तेज किया। मारपीट में घायल मोहम्मद इम्तियाज, गुफरान, सैफुद्दीन, आसनावानो, दानियान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका उपचार चला। वहीं मोहम्मद इम्तियाज की तहरीर पर पुलिस ने सेरा, उसके बेटे मुनास, सादाब, ऐसफ और मोहम्मद इलियास समेत 5 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर खबर नगर कोतवाली इलाके से, जहां नहीं रुक रहा है चोरों का आतंक। 8 बकरियां चोरी होने से मचा हड़कंप, पीड़ित ने किया मामले की शिकायत। मामला नगर कोतवाली इलाके के राजगढ़ का है, जहां राजगढ़ निवासी बसंत लाल सरोज का आरोप है कि उसके घर से 8 बकरियां चोरी हो गई। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त बसंत लाल एक बारात में शामिल होने के लिए गया था। उसका आरोप है कि पड़ोस के कुछ लोग उससे बैर रखते हैं और उन्हीं के सा पर उसकी 8 बकरियों की चोरी की गई है। बसंत लाल के अनुसार बकरी की कीमत करीब 4 लाख रुपए के आसपास है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर खबर नगर कोतवाली इलाके से, जहां 2 शिक्षिकाओं समेत 6 के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। यह मामला प्राथमिक विद्यालय में भ्रष्टाचार का है, जहां आरोप लगाते हुए शिकायत करने वाले को घर में घुसकर धमकी दी गई। पीड़ित की तहरीर पर FIR दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार परशुरामपुर निवासी विभा शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके बेटे राहुल शर्मा ने प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका पूजा शुक्ला व रजनी त्रिपाठी के खिलाफ शिकायत की थी। 21 अप्रैल को रजनी त्रिपाठी के देवर चंदन शुक्ला ने शिकायत वापस लेने के लिए धमकी दी, लेकिन जब वह नहीं लिए तो अपने साथियों के साथ वह पहुंचकर घर में घुसकर मारपीट और धमकी दी है। इस मामले में पुलिस ने शिक्षिका समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर खबर नगर कोतवाली इलाके से, जहां गबन के आरोपित रिटायर बैंक मैनेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मामला नगर कोतवाली इलाके का है, जहां सुल्तानपुर के दरियापुर निवासी शकील अहमद 2011 में ग्रामीण बैंक प्रतापगढ़ में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। BSA रहे अशोकनाथ तिवारी ने वर्ष 2011 में बैंक मैनेजर शकील अहमद, बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी विनय कुमार श्रीवास्तव सहित 9 लोगों पर धोखाधड़ी व गबन का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की विवेचना कर रहे आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ के इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह रविवार को शहर के अचलपुर स्थित आवास से शकील अहमद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। नगर कोतवाल सुरेंद्रनाथ राय ने बताया कि शकील अहमद प्रतापगढ़ में रह रहे थे और उन्हें काफ़ी दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर खबर प्रतापगढ़ से, जहां पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया विविध कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को LED लगाकर सजीव प्रसारण की मदद से लोगों को सुनाया गया। बता दें कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर रविवार को जिला पंचायत परिषद में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य सहित विभागीय अधिकारियों व कर्मचारी भी मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर, खबर प्रतापगढ़ से, जहाँ प्रतापगढ़ जिले के सभी 17 थानों में किया गया दंगा नियंत्रण रिहर्सल। बता दें कि SP के नेतृत्व में पूरे शहर समेत जिले के सभी 17 थानों में दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस होकर फ्लैग मार्च किया गया। लोगों में सुरक्षा का भरोसा व उपद्रवियों में डर पैदा करने का इस दौरान प्रयास भी किया गया। बता दें कि प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद जिले के सभी 17 थानों में दंगा रिहर्सल कार्यक्रम हुआ। प्रतापगढ़ पुलिस हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर आदि दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस होकर शहर के सड़कों पर नजर आई। तो वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक स्वयं कमान संभाले और चौक घंटा घर से जब भारी पुलिस बल गश्त पर निकली तो लोग एक बार आशंकित हो गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक उनको जब जानकारी मिली कि यह दंगा का रिहर्सल किया जा रहा है तो उनके जान में जान आई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के चौक घंटा घर भूलियापुर सहित आसपास के इलाकों में भी भ्रमण किया गया और यह जानने का प्रयास किया गया कि जरूरत पड़ने पर किसी इलाके में कितनी देर में पुलिस पहुंच सकती है।